देखिए रामायण का प्रसंग तो बहुत एक दो वजन शुरू कर पर आप सीधा से उम्र में चला ताकि आनंद भी आनंद आई और ब्रह्मा जी ने भी खुश हो जाए। परंतु स्टार्टिंग रामायण खत्म हुई वो एक छोटो सो वजन आप सुना। एक दिन आप संक्रांति का महीनो हुए जगह मण मास किया मण मास में आज भी प्रयागराज में मेलो लगे और वे ऋषि मुनि हमें दूसरा कुंजा जीता भी संत नहीं जगह बट नाउन करना है तो वे बिता संत का जगह सत्युग रामायण ने के नाउन करने बताया नाउन करने आया जन दा पर पाछा धाम किते में भरद्वाज ऋषि को आश्रम भी आश्रम में दर्शन करके और वापस चलिया करे तो पठे यज्ञपाल जी महाराज बड़ा महान मूर्ति मैं बताया जन भरद्वाज ऋषि भगवान चरण दबा पर बैठी राख लिया और मैंने पूछो एक सवाल कि महाराज मैंने और जवाब दे दो वो सवाल आप आगे प्रकट हुए और कहीं कह देखो वह राम अरे पूजी भरद्वाज ऋषि बाप
कि वो महाराज नगरी में भस्म करता था, राक्षसन मार आया मार गया। बात बिल्कुल सत्य है कि भाई नगरी में भस्म करता था, राक्षसन ने मार देता, मार कर क्यों आया? प्राण हर लीना अदम जान हरि अपना पद दीना। वो विश्वामित्र जी को मार तो सकता पर मैं ऐसा पाछा पैदा हो गया कि वो महाराज पाछा नहीं होना पे कौन है कि वो राम है। तो रावण ने राम जी मारे तो रावण पाछो पैदा को है, विश्वामित्र जी मारता पाछो रावण जाओ तो कांटा कितना ही रावण। ये सत्य है कि वो राम एक ही है। जनाब भरद्वाज ऋषि ही ने समझा होता ये बालक जी की राम की महिमा अनंत अपार। मैं तो कहीं बताऊं इतनी महिमा है कि तारक बन में मारी तारका फिर अपनो दियो निर्माण राम की महिमा अनंत अपार। आप रोपद दियो सको राम जी सके तो धाम बेटा बहुत दे दियो असुर नहीं तेरी महिमा कोई वर्णन पर चल जावे तो के महाराज जरूरत हुई नहीं देखो सुबह उन्हें बट मार दियो। एक नहीं रक्षा करने गया नहीं सुबह उन्हें मारियो रावण नो मामो मारी सको बिलक भयो नहीं बिन हेचवी एक बाण लगा परो छोड़ दियो माजी पा सौ को साल को सौ योजन आलो पैक छोड़ दियो। जग दिन वो भक्ति करनी शुरू कर दी क्यों अब के जे बाण मा चला जो अपन जीव तो पूछो तो क्यों महाराज कोई राम जो को बिन बचायो काम आते के आगे अपन जई सब मात्रो के ध्यान है वो राम है। तो क्यों ठीक है क्यों ताड़क वन में मारी ताड़का ताड़कर वत करियो एर तारी गौतम नार राम की महिमा के गौतम नार ने क्या अंतारी क्यों महाराज को श्राप दे देनी विरुद्धार को या करें गौतम ऋषि को श्राप होतो आई लेने आपकी पत्नी ने जो जापत्री बन जा एर ए हनुमान जी कौन है गौतम ऋषि राप दो ही था गौतम ऋषि रा दो अंजना नहीं गौतम ऋषि ने कहती है इन सीन अंजना ने श्राप दियो सात साल कमारी के पत्र जन्म में फिर बांद्रे जाप जन्म में जो तो बांद्रे से देखती रही श्राप दे दिए तो बस श्राप पूर्ण किया। अब बताओ और ऋषि को श्राप है कर कमारी के पुत्र जन्म में हनुमान जी बड़ा वीर बनी हुई अंजना ने श्राप दिया जापत्री बन जा सके भगवान जापरा सम्मुख खड़ा हो बेकूट लोग उस दिन तो मैं पछता ही क्यों मेरे को श्राप दे दिया पत्थर की बना दी परंतु आज मेरे को श्राप हो गया मैं मति भोली विनती प्रभु मोरी नहीं आवे पर मोई मांगा हाथ जोड़ के खड़ी हुई क्यों महाराज मारी इतनी मति भोली है मेरे को पर वरदान मांगने नहीं आता है पर वरदान क्या मांगता है वो थोड़ी सी अहिल्या देखो भोली पड़ पड़ी क्यों महाराज एक कृपा करो बोल भाई मन कमल पर आगा कमल कहे भूल ले मन कमल पर आगा रस अनुरागा उसके कमल की जो रस नहीं उसके अंदर भौर है तो एकदम अनुरा की तौर बैठ गए साहब में भौरे रूपी मेरा मन और कमल रूपी आपका चरण हनुमान मारा अनुराग कितना सुंदर बता मैं मन अनुरागा कमल परागा मन मधु पकड़े पाना और वो वरदान मांग भरी गौतम नारी सरक सिदारी यही पति लोग आनंद भरी आनंद से वो पति लोग बोलो साफ ने नियुक्ति कर दी वो राम 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 भरद्वाज ऋषि के भरद्वाज ऋषि ने यज्ञ बालक जी के महाराज वो राम जो गौतम अहिल्या का बंधन छोड़ने वाला राम और तार का वध करके वैकुंठ लोक में भेजने वाला राम उसकी महिमा दूसरा राम नहीं है। तो क्यों महाराज बहुत सुंदर बात है अब माने आकता थोड़ी आगे बढ़ा क्यों या तो रामायण बहुत सुन आगू आगे बढ़े लेवा जगी एक समय
रावण जाकर के पत्तो लागो के दशरथ जी ने कह रहे राम नाम ये कोई अवतार लीवा है, राम नाम कोई एक बच बालक अवतार लीवा है। क्यों के रावण ने कोई श्राप दी है ऋषि कि राजा दशरथ है बेटा हुई नहीं जो तन मान जीव के की अने हिरणा कंस ने आकाशवाणी रमाने को केकी वो देव की पुत्र रो क्यों नहीं आकाशवाणी में क्यों भाई इन आठ को पुत्र तन मारी जो इन रावण ने कोई आवाज आई जन की आपाया करा के दशरथ ने कोक बांधा एक आई असुर अनुर देखो आ बात विलक्षण है तो के कोक बांधा जमीन जन्मी को की वास्ते दशरथ जी ने 60,000 वर्ष के पुत्र बोलो जना पचे को काम पुत्र स्त्री ये करियो नहीं जना राम लक्ष्मण पर पर जन्मिया जन्मिया देखो बाकी को बांधियो री बात जन कियो महाराज पर कोई जन्म तो ले लियो के जन्म ले लियो मन में मन बो सोच लागियो तो के काई करा के वो कह जिया मियां जी दौड़ मस्ती पड़ी जाए आके रखो रखो तो के आपा काई करा के आपा ना अबे असुरा से का तो भक्ति करता का तो ब्रह्मा जी दी करता करता शिव जी दी जाता तरह शिव जी नहीं करता फिर विष्णु भगवान की भक्ति करता देव थे जब ऐसा असुरा वो एक आई करो चार मान जी बैठे एक कैलाश पर्वत माते हैं भगवान शंकर तपस्या करनी सुनते थे शंकर भगवान पर देखो या क्यों बड़ो ही नाथ है ऐसे घने फिर न पड़ के तो आज क्यों भक्ति करे तुझे अब क्यों महाराज मांगो मांगो क्या बोल राउन ना मत उसको भी क्यों आज आयो क्या वचन दो के लिए वचन प्रकाश बना क्यों महाराज वो थाने शिव धनुष देव करे क्यों रे धनुष मार का ही करना क्या मैं भक्ति करी हूँ महाराज देव जन दे दो ने वाक्य को नहीं कहने क्यों ले जा भैया देनो देनो पर एक भी होता क्यों बड़ा धनुष तो तंग देव पर नीचो मैल दिया नहीं तो पाँच उठे ना क्यों रावण ने हाथ लगी और महाराज नीचो नीचा मैल दिया क्यों ठीक धनुष ले पर और वीर और अन्य शंकर भगवान की ब्रह्मा जी कहने क्यों महाराज गलती होती बन खाई क्यों मैं रावण ने धनुष दे दिए तेरे को दे लंका में क्यों करने को मरे को मेरे बाप तेरे काम रोना हो गया तो के काई करा के भेजा हो कि क्यों कोई की बात क्यों आ बात रखी हुई है का ब्रह्मा जी ब्राह्मण पर पड़ा है चीज जो देवड़ा हतरे माने का किल के किल में काल जी नहीं तेरे दूसरा दूसरा बड़ पुटा है हम किया हम बड़ शस्त्र आने इंद्रदेव ने कियो कि महाराज के काई क्यों थे थोड़ी बात लघु शंकर करा दो माय ने वो शुगर पैदा कर दो वो शुगर जितनी दूर पैदा हो जाए क्यों शुगर पैदा कर दो शरीर में माय ने क्यों ठीक है अब बात शुगर ही बाबास ना करता मुझे पैसा आप लागी अब मैं कहीं एक को एक को नीम है शस्त्र धारी हो चाहे राक्षस हो चाहे मैं अपा वो सब रे लागू है वो नेम नेम नहीं वैसे ना मामला समय को नहीं क्यों वो धनुष तो यहाँ खाक में घर लो अब यहाँ पैसा आप लेने बैठे तो नीचे ठीक है कोई नेम बंद हो जाए अच्छा पैसा आप करा शस्त्र धार तो ये नेम भंग हो जाए जब क्यों कहीं करा वो मरा ठीक है इन देता क्यों महाराज के आगे का जो काम कर दे के नहीं क्यों हाँ काट दो बन खाई है क्यों धनुष के हैं धनुष को अरे बिटिया बाप हूँ पैसा करो जीती प्राप्त हुआ अरे भाई माँ को उठे लो तो बुद्धो कोई छोटो मोटो काम हुए तो बता क्या नहीं है महाराज काम वही है क्यों आज ना फुर्ती राखी हो क्यों हाँ फुर्ती राखी अरे भाई ये बात है वो धनुष ले अरे क्यों राउंड जार बैठो के पड़े पड़े क्यों करनी सुना कि हमें कौन यू करनी अरे डब्बा ओ कहीं कहीं और क्या महाराज या तू महाराज तो धोखो करियो रोजे गाड़ा काटे क्यों राश को गाड़ा काटी क्यों गाड़ा क्या काटे दे मैं तेरे मुठा तू एक जन ले रही हूँ हार दे दू हार बट काई दे खाड़ा डाल दिया मुझे उस तुझे कौन नहीं क्यों सीधे हो वचन हो तो क्यों नीचे मिल जाए पतू तक होने को राजा जनक ने राजधानी रमाने धनुष को जना वे खाड़ा डाल ब्रह्मा जी बट अंतर ध्यान हो गया रावण आप लंका में गयो प्रो धनुष पति पड़ो परशुराम जी महाराज आ जमदग्नि का बेटा अवतार भी है परशुराम जी तो परशुराम जी पाड़ रामायण बैठा बैठा ध्यान करियो और तो सिंह जी ने ऊपर से कहा यार ध्यान करियो क्यों रे भगवान शंकर धनुष पर रोई में पड़ी रही तो परशुराम जी बट मारिया धनुष रखने तो काई क्या देखो चलेवा परशुराम या ये चलेवा
परशुरामय आए धनुष शिव शंकर के लाए सलेवा परशुरामय आए ये सलेवा परशुरामय आए ये धनुष शिव शंकर के लाए आजरा जासे बतलाए ओ यानरा जासे बतलाए ये धनुष निज मेला रखवाए आजरा जासे बतलाए ये यानरा जासे बतलाए ये धनुष निज मेला रखवाए मेले में दिन अपने के खान धनुष धरो निज मेले मेरे निज पूजा के खाद भाई करे से ये सीता उठायो भाई करे से सीता उठायो किनोरे राजा ज्ञान ज्ञान सब किया रे दिन के राजा ज्ञान सब किया रे दिन के राजा ये शिवंबर सीता रे काजा धनुष पढ़े लीना जन के राजा रे धनुष पढ़े लियो जन के राजा ये शिवंबर सीता रे काजा रामचंद्र भगवान की चले वहां परशुराम जी ले पटू परशुराम जी चांद पर आया धनुष ने देखियो बारह का खाड़ा का लेगा पड़ा और रोज में पड़ियो अब कोई विलन तो बैठ भोगो नहीं परशुराम जी पहुंचारा और की धनुष ने उठा करके ले रहा राजा ने राजा जनक की रात धनुष राजा जनक ने ले गया एन जनक आदर कर क्यों आदर पच करी तो क्यों धनुष ने रखा है पच कोई बात अरे मरा धनुष रख तो अर्जती क्या अर्जती ने कैसे रखा तो क्या धनुष ने एड़ो स्थान रखनो जैसे पाठ पूजा हो जावे उतने कोई उनको नहीं घूमे न बैठे रहे क्यों मरा तो आप अब कहीं तो जोरदार लाया पर हम खाने की क्या जा तो बड़ फिर तो आ गई आई की स्वाद तो ना सत्री धरती न कर छोड़ी हो फिर बड़ का काम हमें खाई करो क्यों वाह मारा धारी चाहिए तो कोई बात नहीं जब चो को स्थान हो तो करे मान करते वो तो उसके खा क्या बात समझ में तो आवे नहीं नहीं अबे तो अपन कोई बात मन पर सुखा सुखे निकले खाए पूछा चौकी है ना तो जीवन कह दिया ते भैया बात मान पर संतम है क्या जच्ची को इनमें कहीं लाज धाड़ी है जना 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 बट है स्थान इस पर कोई लगा करके कोई आसन है धनुष ने रखा है पच परशुराम जी रहे चरण वंदना करी क्यों परशुराम अवतार हो तो ब्राह्मण भी हा वंदना करी अब महाराज क्यों देख प्रणा तो हमारी भाष वाले बने भाई क्यों इन दोनों के पूजा पूजा तो क्या महाराज कोई पूजा मारो ही देने कोई बुजुर्ग कैसे करनी पूजा कोई करो करनी पूजा चाहे करे कोई क्यों कोई बात तो क्या करे बारे माए जमा जना क्यों बारे माए जाओ जना कोई बुला दिया बुला अच्छी बात के उसराम ने हो किधर चार थोड़ी बहुत बात हो गई जनक चले वहां परशुराम आए धनुष शिव शंकर के लाए आन राजा से बतलाए और धनुष निज मेला में धनुष लगो निज मेला में नित पूजा ने काज रोजिना की पूजा करने एक दिन राजा ने कोई काम करो भाई राजा बचकर भूल जाए अब राजा बटो गियो काम जाना की हम किने बढ़ावा दूसरे ने काई काम बढ़ावा अपन बेटी है क्यों बेटो तो राजा ने हो कोनी है दो बेटियां ही राजा जब बड़ी बेटी है जिकी तो सीता जी आ है छोटा हाथ का है नारे लक्ष्मण जी ने कर मुहा पूर मिले जन क्यों कह आप आइए सीता ने बड़ा तो मोटी है तो इन बड़ा
जन कियो सीता के हां बेटा हूं आ जाऊं एरी धनुष की पूजा करने कियो पिता से कोई बात निसन हो करो अब बेटा यात्रा पर सीता जी जार देखियो धनुष ने तो आगे कचरो पड़ियो क्यों बहुत तो कोनो जन सीता जी एक हाथ की धनुष ने उठा लिया कोई डाले हाले ए जीवन हाथ लियो पुरुष काज तेरे को पस्तर धो तेरे पास पाशन पसा जाकर के कंसन जो कर दियो एर पर दिन पाठ पूजा करी पूजा करके भगवान शंकर धनुषो एर लक्ष्मी जी अवतार हो सीता जी का लक्ष्मी का अवतार हो तीन देवी है संसार में एक तो लक्ष्मी है एक शक्ति है एक सरस्वती और तीन और तीन तीन रूप है मैंने नौ दुर्गा किया करें ठीक है विलक्षण संसार बनो है तो लक्ष्मी का अवतार है सीता जी का तो सीता जी मैंने उठा करके पाए कर से सीता उठायो एंड राजा किनो ज्ञान ज्ञान करियो जनक राजा सोम सीता के राजा ज्ञान करियो कियो काई ज्ञान करियो के राजा पाछा यानी जन को धनुष के कने की मैं ना चल को उसकी चीज अब को काम है वो पहला आप हमारा घर में बैठता है कि दाई भाई है किसकी है तो विदाई ना हमारा अपन से मन हुई नहीं बैठे अपन जमा तो राजा रो मन भी धनुष में थी जाओ ते भी धनुष ने काम के देखियो कल्चर में चलियो का सीता ने जार पूछो बेटा किसो योद्ध आयो के के तो धनुष ने को उठायो के धनुष ने मैं उठायो तो तू धनुष उठा लियो क्यों काई बड़ी बात है धनुष उठा लियो क्यों आज काल ले क्यों हां कियो राजा कियो हम तो काल सेवा कर रहे दूसरे दिन सेवा करे राजा जनक सब तक कियो ऐसी सीता की एक आदमी धनुष उठा लियो नीचे पुश कर दियो राजा मन में विचार करे धन्य हो जिस धनुष के लिए रावण की तो तड़प आ गई उसको धनुष उठ तेरा दाव एक हाथ धनुष अब राजा पट्टे से बैठो बैठो विचार करियो जो पानी के कन्या रे वास्ते भरपूर आज भी आप बात के मां के भाई थोड़ी देर कन्या अष्टपुष्ट है तो भर भी के वास्ते थोड़ा रोई मोती क्यों के तो अभी धनुष ने उठायो है सीता को तो की धनुष ने कोई तोड़े जड़ो यो तो वे जको सीता जी ने पढ़नी चाहिए एड़ो राजा करता उबा उबा विचार करे काई के धनुष पढ़ कीनो जनक राजा धनुष पढ़ कीनो जनक राजा ऐसे मरे सीता रे राजा धनुष पढ़ कीनो जनक राजा ऐसे मरे सीता रे राजा जनक पण मन में ही कीना जनक पण मन में ही कीना ये बुलावा वो कोने दीना जनक पण मन में ही कीना ये बुलावा वो कोने दीना रूप मिले मन शोभा कीना ये रूप मिले मन शोभा बोले श्याम रामचंद्र भगवान।
की।